हजारों साल पहले समुद्र में डूब चुकी भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के अब दर्शन आसान होने जा रहे हैं। गुजरात सरकार द्वारका के दर्शन के लिए अरब सागर में टूरिस्ट सबमरीन चलाने जा रही है। इस सबमरीन का वजन करीब 35 टन होगा और इसमें एक बार में एक साथ 30 लोग बैठ सकेंगे और उनके साथ दो गोताखोर और एक गाइड भी साथ रहेगा। गुजरात राज्य पर्यटन विभाग के प्रमुख हारित शुक्ला के मुताबिक इस स्वदेशी सबमरीन का संचालन मजगांव डॉकयार्ड करेगा। इस सबमरीन की सेवाएं जन्माष्टमी या फिर दीपावली तक शुरू हो जाएगी। अब आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि आखिर द्वारिका के अवशेष समुद्र में कितने फीट तक नीचे होंगे और ये सबमरीन समुद्र में कितने फीट तक नीचे जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सबमरीन समुद्र में 300 फीट नीचे जाएगी और समुद्र के नीचे 2 घंटे का ये रोमांचक सफर रहेगा। वहाँ पर आप 2 घंटे तक समुद्र के नीचे द्वारिका के अवशेष और दूसरे समुद्र के जीव भी देख पाओगे। इस सबमरीन में बैठने के लिए आपको टिकट लेना होगा, जिसकी टिकट की प्राइस की बात करें तो वो काफ़ी महंगी होंगी, लेकिन आम आदमी का ध्यान रखते हुए गुजरात सरकार इसमें सब्सिडी भी दे सकती है। इस सबमरीन की खासियत की बात करें तो 35 टन वजनी इस सबमरीन में एयर कंडीशनर भी होगा और इसमें मेडिकल किट भी रहेगी। इसमें 24 यात्री 2 लाइन में बैठेंगे, सबमरीन चलाने वाले 2 रहेंगे, साथ में एक गाइड और एक टेक्नीशियन भी साथ रहेगा। इस सबमरीन की हर सीट विंडो व्यू देंगी ताकि 300 फुट गहराई में समुद्र के भीतर के प्राकृतिक सौंदर्य को आसानी से देखा जा सके। यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क और फेस मास्क भी दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था रहेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी सुविधा भी रहेगी। सबमरीन में बैठकर भी सामने स्क्रीन पर भीतर की हलचल, जीव जंतु आदि देख सकेंगे और रिकॉर्ड भी कर सकेंगे। गुजरात सरकार थोड़े ही दिनों में इस सबमरीन की सेवाएं चालू करने वाला है। तो आपको ये सबमरीन का प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।